Hello and welcome to our YouTube channel Rubal Solutions. Students, in this video we will making a program implemented bubble sort in a C program. First of all, I will tell you what is bubble sort. Bubble sort kya hai? Bubble sort is also known as sinking sort. This algorithm compares each pair of adjacent items and swap them if they are in wrong order, and this same process goes on until no swaps are needed. Bubble sort kya hai ki ye aisa algorithm hai jo har pair ko compares each pair of adjacent items, matlab ki jaise do jo sath sath items hote hain unko compare karta hai aur swap karta hai agar wo wrong order mein ho, aur ye process chalta rehta hai jab tak ki वो पूरा ना हो जाए. ठीक है, समझ आ गई कि वो दो आइटम्स को देखता है, अगर स्वैपिंग की ज़रूरत है, मतलब कि अगर कोई आइटम छोटा है या बड़ा है तो वो स्वैप कर लेगा, अदरवाइज वहीं रहने देगा. ऐसे करते करते जब तक कि स्वैपिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो करता रहेगा. इन द फॉलोइंग प्रोग्राम वी आर इम्प्लीमेंटेड बबल सॉर्ट इन द सी लैंग्वेज. In this program, user would be asked to enter the number of elements along with the element value, and then the program would sort them in ascending order by using bubble sorting algorithm logic. ठीक है, समझ आ गई. अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं. हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, इंट मेन, इंट काउंट, टेम्प आई जे नंबर एरे, प्रिंट एफ हाउ मेनी नंबर्स आर गोइंग टू एंटर. काउंट में वो नंबर डल जाएगा, जैसे हमने बोला 10, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर्स, फिर लूप चलेगी 10 तक, और स्कैन एफ कर लेंगे हम 10 नंबर्स. तो ये वाला पार्ट, तो जो ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो बेसिक पार्ट है कि एरे में हमने सबसे पहले पूछा कि कितने एलिमेंट्स आप डालोगे, और अगर कितने डालोगे तो कितने एलिमेंट्स आप एलिमेंट्स डाल दो. ठीक है, उसके बाद अब शुरू हुआ है मेन लॉजिक ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम. तो लॉजिक क्या है, पहले एक लूप लगी जो आई कहाँ काउंट माइनस टू से चली, कहाँ से चली, काउंट माइनस टू, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तक से तक चलेगी, और आई माइनस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि हमने काउंट माइनस टू से, क्यों, क्योंकि दो पेयर्स लेने हैं हमें, क्या लेने हैं, दो पेयर. उसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस. ठीक है, एक एलिमेंट आ गया आई में, एक एलिमेंट जे में, मतलब कि लूप इस तरह से चली, क्योंकि जो जे लूप है वो आई पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो उस तरह से काम शुरू हुआ. उसके बाद क्या हुआ, अगर नंबर जे ग्रेटर देन नंबर जे प्लस वन है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्या है, नंबर जे ग्रेटर देन नंबर जे प्लस वन है, तो टेम्प में क्या डाल दो, नंबर जे, और नंबर जे में क्या डाल दो, नंबर जे प्लस वन, और नंबर जे प्लस वन में क्या डाल दो, टेम्प, वही जो स्वैपिंग वाली कंडीशन होती है. ठीक है, उसके बाद जब हम जब ये सारी लूप्स काम करना कर जाएंगी तो हमारे पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी. बस सॉर्टेड एरे जैसे आ गई तो हमने प्रिंट एफ करवा दिया, और प्रिंट एफ करवा के फॉर लूप लगा के उसको प्रिंट करवा दिया, रिटर्न जीरो. अब मैं एक बार आपको चला के दिखाती हूँ. देखो, वो पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स डालोगे, मैं डालूँगी 10 एलिमेंट्स. मैंने डाला 23, 36, 25, 96, 78, 35, 12, 18, 98, 65. अब देखो, ये करेगा तो सिंपल सॉर्टिंग ही, लेकिन किसके थ्रू कराए, हमारा प्रोग्राम क्या है, बबल सॉर्ट का. ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ प्रिंट एफ सॉर्टेड एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट, यूजिंग बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम लॉजिक. तो उससे क्या होगा, जब हम अभी हम 5 डालते हैं, 12, 23, 1, 89, 36. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये है. अगर हम स्लैश एन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, स्लैश एन, तो वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे. ठीक है, देखो अभी हम करके दिखाती हूँ.
तीन नंबर्स डाले 12 96 36। आ गए, समझ आ गई? कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पूछिए, क्योंकि अब अच्छे वाले एडवांस सी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है तो आपको बेसिक ज़रूर आने चाहिए। तो आप पुरानी वीडियो सारी देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग, द चैनल इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। थैंक यू सो मच फॉर विंग एंड मेकिंग दिस चैनल सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच, लव लव, हैव अ नाइस डे।